हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील सिंह आपका अपने चैनल क्विक रिवीजन मास्टर में स्वागत करता हूं। मैं आपको आज NCF 2005 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट और अन्य स्टेट लेवल के जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होंगी उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है वो क्या है? NCF 2005। दूसरा प्रश्न है, इस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया था मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने NCF 2005 तैयार किया? तो वो उत्तर होगा इसका प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए है NCF 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है फोकस किया गया है NCF 2005 में। अगला है, NCF 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? तो इसका उत्तर होगा सभ्यता और प्रगति। अगला है, NCF 2005 में बल दिया गया है शांति के लिए शिक्षा। अगला प्रश्न है, NCF 2005 में बताया गया है, उत्तर है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अध्याय विद्यालय और कक्षा का वातावरण में बताया गया है, तो इसका उत्तर होगा वातावरण के भीतर एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं ये बताया गया है। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का, इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब अपनाया गया? ये बनाया गया था तो ये 2005 में। ठीक है, NCF 2005 में सामाजिक अध्ययन से कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो इसका उत्तर होगा सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य मुद्दे पर। अगला प्रश्न है, NCF 2005 की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखिए, NCERT नई दिल्ली, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? ये भी इम्पोर्टेंट है, तो 38 हैं, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, इम्पोर्टेंट है। अगला है, NCF 2005 का भाषा फार्मूला है त्रिभाषाई फार्मूला, ध्यान दीजिए। अगला है, भाषा प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा क्या है? तो क्रमशः प्रथम भाषा हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, राज्य की भाषा है, और द्वितीय अंग्रेजी है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तृतीय स्थानीय भाषा जैसे पंजाबी, संस्कृत, तमिल। अगला प्रश्न है, NCF 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचाया जाए? तो उसका उत्तर होगा ज्ञान से। अगला है, NCF 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर, इसको आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है? तो इसका उत्तर होगा ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार बालक बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के जो NCF 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका कारण होता इसका अर्थ क्या है? पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, ध्यान दीजिए, पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। अगला प्रश्न है, NCF 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, और तो इसका उत्तर होगा कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को शिक्षा विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। ठीक है, मतलब जो पढ़ाया जाए उसको जो है एक तरह से
प्रैक्टिकली भी कराया जाए एग्जाम्पल दे करके। अगला प्रश्न है, NCF 2005 में गणित शिक्षक के बारे में बताया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए, यह महत्वाकांक्षा का मतलब क्या है? तो इसका उत्तर होगा गणित के उच्च आदेश लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, NCF 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? तो एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ठीक है। आगे देखते, NCF 2005 के अनुसार सीखना है क्या है? मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। अगला है, NCF 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो कक्षा दसवीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए। आगे देखिए, NCF 2005 बल देती है कर के सीखने पर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। आगे, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है, तो इसका उत्तर होगा सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना तथा छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, NCF 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है, तो बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को, इसे आप जो है याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, NCF 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आया हुआ विचार था? तो 1993 ईस्वी में, मतलब शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा ऐसी दी जाए कि बच्चों को बोझ न लगे और वो जो है बहुत ही खेल खेल में आसानी से सीख जाए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में की सुधार को अपना सुझाया गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, इसे आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी नई नई वीडियो बनाऊंगा वो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएंगी और उन्हें देख करके आप लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।